बर्थ मंथ है, तो यू नो मेरे लिए मई काफी स्पेशल महीना है. एंड इस स्पेशल महीने में आई हैव अ वेरी स्पेशल हैपनिंग एट द बॉडी विद मी. नो दिस पर्सन इज स्पेशल बिकॉज आई एम लाइक अ ह्यूज फैन. सो लेट्स वेलकम ज़ी अली, हु इज लाइक अ रियली ग्रेट इन्फ्लुएंसर. आई एम श्योर यू हैव सीन हर हैदराबादी मूवी रिव्यूज एंड लाइक अ बंच ऑफ अदर थिंग्स दैट शी पोस्ट. अनटेम्ड लेंस, राइट? लाइक दैट इज हर इंस्टाग्राम हैंडल. सो वेलकम ज़ी. Thank you so much, Sana. I'm like really excited. बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ बट एक्साइटेड भी हूँ. मैं आपसे ज्यादा नर्वस हूँ. नहीं नहीं नहीं. Tell me a little bit about your journey, see. पहले तो आप बोले कि मैं आपका क्या बर्थ मंथ है. बर्थ मंथ है मेरा भी है. ओह, कब है आपकी बर्थडे? 28th में. तो नहीं, लेकिन आप जेमिनी हो गए भैया. टॉरस से ऐसा उधर चले गए. जर्नी कैसी थी? बहुत ही अब्रप्टली स्टार्ट हुई. मतलब आई नेवर थॉट कि मेरी जर्नी वुड लीड मी फ्रॉम बीइंग लाइक अ टेनिस प्लेयर टू बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर. बट कई लोगों के जैसा मेरी जर्नी भी है. सो पैंडेमिक के टाइम पे ही शुरू हुई थी, जहाँ पे वी डिड नो व्हाट टू डू विद आवर लाइव्स. तो अपन बोले कि चलो कैमरा उठा के, सो लोग कुछ ना कुछ बना रहे हैं तो अपन भी बना ही लेंगे, देखेंगे चलता है या नहीं. तो वहां से शुरू हुआ था, IGTV से शुरू हुआ था सफर. और अब आके रील्स पे अटका हुआ है. एंड काफी लंबी दिखती जर्नी बट है काफी सिंपल सी. और आई एम जस्ट, मैं खुद भी सोचती हूँ कि कैसा बन गई मैं कंटेंट क्रिएटर बोल के. बिकॉज हमेशा मैं सोची थी कि मैं एक एक्टर बनूंगी या फिर यू नो लाइक, बिकॉज मेरे को स्क्रिप्ट्स होना पड़ता टू नो व्हाट टू से, टू नो व्हाट टू डू. बट खुद ही अपने लिए स्क्रिप्ट्स लिखना, वो बहुत एकदम खुद सेल्फ रेवलेशन काइंड ऑफ जर्नी रही मेरी. तो नाइस, दैट इज रियली अमेजिंग. सो बट यू डू एक्ट, आप जैसा हैदराबाद डायरीज में पहले आप उसमें स्टार्ट करें ना, लाइक इवन बिफोर योर इन्फ्लुएंसर जर्नी, आई थिंक यू वर अ पार्ट ऑफ हैदराबाद डायरीज एंड यू वर प्लेइंग दैट कैरेक्टर. यस, मेरी शुरुआत हैदराबाद डायरी से ही हुई. And it was probably like it's been 8-9 years now. तो 8-9 साल पहले अपन शुरू करे थे एक छोटे से वीडियो से, जहाँ पे एक छोटा सा रोल था मेरा हैदराबाद डायरीज के वीडियो में. कुछ इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियो था वो. एंड अभी मैं देखती हूँ वो वीडियो, आई एम लाइक हु इज दिस पर्सन. लाइक तो मेरा पूरा एवोल्यूशन ऑन स्क्रीन है वो, यू नो लाइक जर्नी देखे तो ये कौन है ऐसे. अच्छा, दिस इज हाउ आई लुक राइट नाउ. पूरा हर चीज लाइक फ्रॉम हर चीज चेंज हुई भाई बेसिकली. मेरी ऑन स्क्रीन है सब पूरी मेरी जर्नी. आई मीन 8-9 इयर्स इज लाइक पूरी बॉडी चेंज हो गई यार, ऑब्वियसली. सो यू हैव चेंज्ड सो मच. एंड आई यूज्ड टू वॉच हैदराबाद डायरीज बिकॉज माय ब्रदर इज लाइक अ ह्यूज फैन. तो जैसा मैं घर को जाती हूँ ना, लाइक यूट्यूब लगा के चलो ये देखेंगे, ऐसा टीवी पे चलता हो पूरा. हमारी मम्मी भी साथ में बैठ के ऐसा फुल एंजॉय करते हुए देखते, पूरे आपके फैंस है. So you also did something for Amazon Prime, right? Yes, I did. That See, was fan hai isliye I know. एकदम ड्रीम कम ट्रू था वो मेरे लिए. बिकॉज मैं सामने से ट्राई नहीं करी थी उसके लिए. एंड मेरे को अपॉर्चुनिटी खुद आके यू नो अप्रोच करी, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात थी. मैं सोची भी नहीं थी कि मैं यू नो अमेजोन प्राइम पे आऊंगी और मेरा डेब्यू वहां पे होऊंगा. अपन क्या सोचते, छोटा मोटा कुछ कर लेंगे लाइफ में, कुछ आया तो आ गया बोल के. बट सामने से ऑडिशन भी नहीं थी. मैं दिख रहे आप मोटिवेटर और ड्रिवन ही दिख रहे आप. वो तो मैं हूँ, मैं मैनिफेस्ट बहुत करती हूँ चीजा. तो आई फील लाइक यू नो ये मैनिफेस्टेशन का ही जैसा था कुछ उधर लेना देना. तो अप्रोच मेरे को कोई करे थे इंस्टाग्राम पे, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वंशी सर, उन्होंने मेरे को अप्रोच करे थे. एंड पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये प्रैंक है नहीं क्या है, क्योंकि आई डिडंट हैव एनी कनेक्शंस और एनीथिंग लाइक दैट. तो जब मैं ऑडिशंस देना स्टार्ट करी एंड उन्होंने मेरे को सिलेक्ट करे, तो पहले तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ. एक दिन तो मैं रोना स्टार्ट कर दी थी, लिटरली गाड़ी में थी मैं. बट बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था वो, लाइक टू वर्क विद अ डायरेक्टर लाइक नागेश सर, इनसेन, लाइक इनसेन, लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस वैसा मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से. तो आई फील वेरी लकी एंड लाइक प्रिविलेज्ड उस बात के लिए.
So, I mean, not right now, but I'm sure later you want to like follow up and do more acting. Yes, absolutely. I mean, mera to wahi hai, but I feel like life leads you in a way ki, you know, just leave everything to it and it'll go happen. With the flow. Go with the flow. Jo jab hona hai, wo jab hota hai. Ho jata, 100%. So that is what I believe in. To abhi ke liye to apan खुश है इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हुए और आजकल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं लाइक और यू नो वेब सीरीज एंड स्टफ तो आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन दैट अभी एंड यू आर डूइंग वेरी वेल विद दैट सो यू नो I know how hard it is to create content. लग जाती है हम लोगों से बैठ के कोई सर पे बैठ के भी डू इट तो यू नो प्रोसेस क्या है आपका कुछ नहीं है प्रोसेस आजकल तो मैं स्क्रिप्ट्स भी नहीं लिख रही मालूम इतना कभी कभी ऐसा ब्लॉक आता है कि समझ में नहीं आता कि भाई मैं ये बना रही थी अब तक और अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखूं मैं उसके ऊपर तो वैसा मेरे साथ हुआ रिसेंटली वो न्यूज रिव्यूज जो मैं करती हूँ फॉर यू नो हैदराबादी एंकर वाले रील्स जो मैं बनाती हूँ सडन एक ब्लॉक आ गया था एंड आई वाज लाइक I don't know what to write anymore. Like, समझ में नहीं आ रहा था but you just need to chill वो time पे It's okay, you're human, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं थोड़े दिन के बाद दिमाग खुद चलने लगता वापस तो जब अपन लिख लेंगे तो that is what happened recently with me. But आसान नहीं है ऐसा दिखता कि बहुत आसान है scripts लिखना and all that. किसी को especially हंसाना ही जितना मुश्किल है तो वो सोच के लिखना इज अ वेरी बिग अपने को भी दिखता कोई चीज कह रही है ये फनी है लेकिन आगे वाले को नहीं दिखता एग्जैक्टली वो भी होता अपने सर में ह्यूमर है वो आगे वाले के सर में नहीं कई जोक्स जो मेरे को अच्छे दिखते हैं वो लैंड नहीं होते और जो मेरे को ऐसा दिखता कि ये तो एवरेज है चलो डाल देंगे फिर भी स्पेस फिल करने वो जोक्स ज्यादा चल जाते तो वो होता You never know. हर किसी का ह्यूमर अलग रहता I can completely understand. तो मोटिवेट कैसे कर लेते हैं आप आपको यू नो टू बी ऑन ऑल द टाइम क्योंकि यू पोस्ट ऑलमोस्ट एवरी डे ऑलमोस्ट मोटिवेशन क्या है बोले तो अब देखो इंस्टाग्राम ऐसी जगह है जहाँ पे आप ऐसे पोस्ट करना बंद करते ही आपकी रीच चले जाती तो वो ही एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि अगर आप ऐसे एक सर्टन लेवल ऑफ व्यूज आ रहे हैं आपको एक सर्टन लेवल ऑफ रीच हो गई तो भाई करते रहो लगे रहो नहीं तो आपकी लगा देता है इंस्टाग्राम वैसा सीन है तो इसीलिए मोटिवेशन वो आना ही पड़ता कुछ भी कर लो अगर ऐसा दिल नहीं भी बोल रहा कभी कि आज नहीं शूट करते आरो बोले तो नंबर्स देख लेना ऐसा इंस्टाग्राम पे जाती है रीच भाई चलो बनाएंगे उठ के रील बोल के वही Three days in a row or one week in a row, you don't post anything. Monthly रहता ना उसपे. तो इसलिए मतलब ये influencers मतलब detox बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि it's not just staying away from social media, it's staying. It comes with a cost and a price. It does. Everything actually comes with like pros and cons, right? But ये है social media का तो ये है. और बहुत cons है social media के but pros भी हैं ऐसा नहीं है. So you know कुछ एक्सपर्ट टिप दे दो आप टेक्निकल और कंटेंट ड्रिवन दो टाइप्स दो टिप्स होना मेरे से क्या टिप्स मैं सब सोच के आती थी मेरे को बोलते पहले तो बट क्या ही है टिप्स लाइक इट्स जस्ट दैट अगर आपको पसंद आ रहा व्हाट यू आर डूइंग एक ये कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज है जो यू कांट फोर्स इट तो अगर आपको ये चीज में इंटरेस्ट है ये फील्ड में इंटरेस्ट है टैलेंट है थोड़ा बहुत तो ही चल सकते हैं आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी जरूरत नहीं है थोड़ा बहुत नहीं हाँ लाइक इंस्टाग्राम पे तो और सोशल मीडिया पे स्पेशली इतने सारे विंडोज हैं लाइक फ्रॉम कॉमेडी टू जस्ट स्किट्स टू लाइक जनरल स्टफ लाइक रिएक्शन वीडियोज कुछ भी कर सकते हैं आप इंटरनेट पे और हर किसी के लिए ऑडियंस है तो यू जस्ट नीड टू नो कि आपको क्या करना है What you will be good at. And आपको पसंद भी आना वो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती नहीं कर सकते जैसा पढ़ना है बोले तो हाँ पढ़ना है बोल के याद कर लेते वैसा नहीं रहता सीन अपने लिए पसंद आना पड़ता वो चीज या अब आप
देखो लाइक यू लाइक यू आर डूइंग दिस बिकॉज यू हैव अ सर्टेन इंटरेस्ट इन इट ऑफ कोर्स हां नहीं बोले बात करना है मेरे को खाली बात करना किसको ने पसंद बोला आप मैं सोची थी एक पॉइंट पे कि अरे अपन आरजे बनेंगे क्या बोल के क्योंकि मैं जर्नलिज्म करी थी मास कम्युनिकेशन आ जाओ नहीं नहीं होता देखो इसीलिए हम बन बोले कि सोशल मीडिया पे ये भी थोड़ा अपना लेवरेज रहता है कि यू नो यू गेट टू चूज कि आप क्या टाइम पे शूट करना चाह रहे आप अपने खुद के बॉस हैं बेसिकली या देयर इज दैट फ्लेक्सिबिलिटी है आपको एग्जैक्टली तो वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इट कीप्स मी देयर नहीं तो अपन 9 to 5 भी करे सो है वहाँ पे इतना दम करी हूँ मैं मेरे मैनेजर्स और टीम लीड्स को सॉरी इफ यू आर सीइंग मी आई रियली अपोलोजाइज तो लाइक बहुत दम करी हूँ मैं उन लोगों को तो इसलिए वो छोड़ दी मैं अब मैं जाती हूँ नहीं बेचारे उन लोगों को भी कहीं को परेशान करना स्ट्रेस तो सबको होता है राइट लाइक एंड आई थिंक बीइंग ऑन सोशल मीडिया इज अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग सो हाउ डू यू डील विद इट क्या है डीलिंग I still don't know to be honest like my husband really keeps me grounded and he really helps me with that because वो बहुत chill इंसान है और मैं उतनी overthink करूँ तो उन्होंने थोड़ा मेरे को calm down कर देते बट मैं लाइक बहुत राइल अप हो जाती हूँ सडनली अगर कुछ हो गया इंस्टाग्राम पे अगर कुछ यू नो थोड़ी नेगेटिविटी ज्यादा हो गई क्योंकि सो देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी एंड स्टफ ऑन इंस्टाग्राम बट अगेन लाइक यू सेड प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं हर चीज के तो ये बहुत बड़ा कॉन है उसका एंड यू हैव टू डील विद इट लाइक कोई ऑप्शन है नहीं जो ऑडियंस आपको प्यार करती है देयर इज अ सर्टेन पार्ट ऑफ द ऑडियंस जो आपको नहीं पसंद करते नॉट एवरीवन इज गोइंग टू लाइक यू यू नो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इन्फ्लुएंसर टू अंडरस्टैंड यस या जनरल लाइफ में भी होता हो कि थोड़े लोग आपको पसंद करते नहीं करते बट इट्स जस्ट दैट उन लोग आके आपके मुंह पे नहीं बोलते यहाँ पे ऑप्शन रहता मुंह पे बोल देने का वो भी जैसा बोले वैसा बोल देते सो दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू यू नो वी स्पेंड सो मच टाइम ऑनलाइन ऑन हेट तो इज लाइक everywhere तो ये mean losers के साथ let's call them mean losers उनके साथ आप कैसा deal करते नहीं करती हूँ मैं डील comment read करते आप read करते हो करते आप comment read करती हूँ मैं but जब ज़्यादा हो जाते comments तो मैं नहीं करती हूँ read like it's just that फॉर एग्जाम्पल थोड़े वीडियोज पे बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आते हैं तो एक लिमिट तक मैं पढ़ती हूँ फिर उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ लाइक मैं कितने ही रीड कर सकूंगी मैं हाँ मे बी लाइक चलो भाई 4-5 घंटे देख ले आप उसके बाद आप पूरे 24 घंटे देखते रहेंगे कौन सा मैं स्टार्टिंग में बहुत ऑब्सेस करती हूँ लाइक मैं रील पोस्ट करते ही मैं देखती हूँ कि इसके रिएक्शन कैसे आ रहे हैं उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ चाहे वो ब्लॉग रहो मेरा या रील रहो आई डू दैट बट द बेस्ट वे टू डील विद हेटर्स इज टू नॉट डील विद देम क्योंकि मोस्टली क्या होता मालूम उन लोगों को अटेंशन होना रहता कई जने जो हेट कमेंट्स भेजे मैं उनको रिप्लाई करी तो ओ माय गॉड बिग फैन थैंक यू फॉर रिप्लाइंग आई जस्ट वांटेड योर अटेंशन आई एम लाइक ओके यू गॉट इट आई गेस दैट्स अ वेरी पैसिव अग्रेसिव वे ऑफ गेटिंग अटेंशन लाइक व्हाट इज दिस ये कैसी मोहब्बत है यार ये ऐसे रखो भाई हम आपको रख लो आपके पास ये ऐसी मोहब्बत उजाड़ मोहब्बत सही में सो व्हाट इज योर एडवाइस डोंट एंगेज वो कभी कभी हो जाता है अब अपन भी इंसान है एक पॉइंट तक आप ऐसे ले सकते हैं फिर उसके बाद एक दो तीन लोगों को बस सुना देना दिल बोलता वो हो रहा तो हो जान दो अब क्या है भाई आप भी कितना ही बोल के ले सकता है इंसान तो मैं वही करती हूँ कभी कभी दे देती हूँ वापस फिर मैं जाके डिलीट भी कर देती हूँ अपना खुद का इस कॉमेंट की काम डाउन हो गया बाद से की सेम आई हैव डन दो टू रिलेटेबल वेरी रिलेटेबल करना पड़ता है राइट लाइक समटाइम्स यू जस्ट वांट टू बी मीन टू दिस पर्सन या व्हाट इज द क्यूटेस्ट सोशल मीडिया मोमेंट एवर सबसे अच्छा फील कब हुआ आपको सोशल मीडिया पे कोई कमेंट ऐसा करे या फिर कोई कुछ बोले सो मेरे एक दो फैंस है जिससे मैं मिल भी सकी पर्सनली एंड उन लोगों से काफी अच्छा बॉन्ड भी है अब मेरा एंड द थिंग इज कि उन लोग रेगुलरली कमेंट करते थे मेरे पोस्ट पे तो मेरे को ऑब्वियसली कि अरे ये बंदी फिर से कमेंट करी अरे ये बंदी बोल के वो आ जाता अपने व्यू में तो उससे मेरे को मिलने का भी चांस मिला था क्योंकि मैं इवेंट्स करती हूँ थोड़े तो वो इवेंट में उन्होंने आए थे आंगन आंगन यस तो आंगन में आए थे
And she met me there and she made a portrait of me and she was very sweet. Like, her name is Harshita. Shout out to her. So, she was extremely sweet and kabhi bhi mauka nahi chhodti bhai bandi apne ko acha feel karane ka. To itte itte pyare pyare messages, kahi message to saved bhi hai uske mere phone mein ki mere ko kabhi bura feel hua to main wo padh leti hu. Oh, that is so cute. Yeah. We all need fans like that, you know. Yeah. Growing up as a girl in Hyderabad and, you know, getting to where you are now, doing what you're doing, always like making, I think you are a person who has taken your own decisions and, you know, made your own choices, right? How tough was that? How challenging was that? It was very challenging, bhai. Kyunki ek to Hyderabadi hai, pan wo alag baat hai. Hyderabadi hona koi buri baat nahi hai. But bhai, 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 achhi baat hai. Hum log proud hai us cheez ke bare mein. Excuse me, anyone who thinks Hyderabadi is a bad thing. Yeah, exactly. Yeah. Like, पर थोड़ा टफ रहता कि आप हैदराबादी भी हैं और एक बच्ची भी है बोलके, लाइक थोड़े पार्ट ऑफ लोग हैं सो आपको हमेशा ट्राई करते टू पुल यू डाउन, बट उतने ही लोग हैं जो आपको हाइप भी करते. वो मैं देखी सो कि अपना हैदराबादी आखिरी क्रेजी है. जितना ऐसा उन लोग अपने को सुनाते उतना ही अपने को चढ़ाते भी उन लोग. तो डिफिकल्ट तो था अपने खुद के डिसीजन लेना, ये वो. कहीं बहुत बरसों तक तो अपन जो बोला गया वही सुने सो है, बट एक दिन फिर गई. एक दिन फिर गई. जो दिल में आया वही करूंगी. हाँ नहीं, लेकिन लेकिन मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था फॉर एवरीथिंग दैट आई डू इन माय लाइफ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी फैमिली, जो कोर फैमिली है, उन लोग हमेशा मेरे डिसीजंस को लेके बहुत सपोर्टिव थे. ऑफ कोर्स उन लोग के खुद के क्वेश्चंस थे जो इन टाइम आंसर्स उन लोगों को मिल गए एंड स्टफ लाइक दैट, बट दे वर ऑलवेज एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ एवरी डिसीजन ऑफ माइन. थैंकफुली शुक्र. आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स, यू नो, बिकॉज एवरीवन एक्सटर्नल इज एक्सटर्नल, बट इफ यू हैव योर कोर ग्रुप ऑफ से फैमिली और फ्रेंड्स, यू डोंट नीड एवरीवन. इट डजंट मैटर चार लोग क्या सोचते हैं, वो ही मैटर करता है. तो इसलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप रिस्पॉन्ड टू दिस लाइन जी, लाइक लोग क्या कहेंगे. क्या बोलेंगे, बोलते सो बोलते ही रहते उन लोग. लोगों का काम है बोलना, बोल लेते रहते उन लोग. अच्छा बोलते बुरा बोलते दोनों भी सुन लेना, करना अपनी दिल की करो, दिल की सुनो भाई दिल. सो दिस क्वेश्चन इज बिकॉज यू नो आई फील लाइक फेमस इन्फ्लुएंसर लोग जो है लोगों से मिलते तो अलग टाइप के बात करते, तो जब आप आपके दोस्तों से मिलते क्या चिल करते, व्हाट इज इट दैट यू गर्ल्स टॉक अबाउट, ओनली व्हाट डू यू गाइस टॉक अबाउट. नॉर्मली जो करते ना लोग वही करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा. मैं और मेरे दोस्त दूसरों की बात करते क्या चल रहा दुनिया में, अरे उसका देखे तुम पोस्ट, अरे उसका पोस्ट देखे तुम, अरे उन्हें ऐसा ऐसा तरीके से सुने उन्हें उसके साथ ठीक है देखे तुम वो इधर अभी भेज रू तुम आगे देखो गॉस फुल गॉस भाई वो उसके लिए तो जिंदा है. अगर कोई टैगलाइन रही आपकी लाइफ की तो क्या रहती. ये तो मैं कभी सोची नहीं. मेरी टैगलाइन तो देखो रह सकती है कि एक ही जिंदगी है, सब इसमें कर लो बेसिकली, जो हो सकता कर लो, जो हो सकता कर लो. क्योंकि मैं कहाँ से शुरू करी थी, लाइक टेनिस से, और अब मैं क्या कर रही हूँ उसके बीच में. क्या है आप बचपन से खेलते थे क्या आपसे जाके सानिया मिर्जा के साथ. हाँ मैं 5 साल की थी जब मेरे को रैकेट पकड़ा दी गई कि चलो तुम आगे टेनिस प्लेयर बनना है बोल के. अच्छा. तो लोग ऐसे बोलते भी थे कि अच्छा नेक्स्ट सानिया मिर्जा है इन्हों, क्योंकि हैदराबाद से अपन थे. तो सानिया दीदी के साथ भी ऐसा बहुत मौका मिला मेरे को उनके साथ बैठ के बात करने का, फैमिली फ्रेंड्स थे. तो वो भी थी जर्नी मेरी अलग ही. नेशनल गेम्स तक भी गई थी मैं और इंटरनेशनल लेवल खेली मैं. फिर सडनली ऐसा दुनिया पलट गई, ऐसा जज्बात पलट दिया बोलते हैं वो, वैसा सीन हो गया. आई विल लीव एवरीथिंग फॉर यू नो एंड बिकम समथिंग एल्स. बट मेरे को इंजरीज हुए थे तो मैं बोली कि अब ऑप्शन क्या है दूसरा, अब और किस चीज में इंटरेस्ट है. तो हैदराबाद डायरीज आया, फिर उसके बाद से ये साइड की जर्नी शुरू हुई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. सो मोस्ट हैपनिंग थिंग अबाउट हैदराबाद क्या लगती है आपको. हैदराबाद इटसेल्फ लाइक इतना कौन सी चीज, हाउ कैन यू पिक की क्या है. अब तो क्रेजी हो गया हैदराबाद, लाइक नाइट लाइफ भी है अपने पास और दिन में भी ऐसा यू नो इतना चहल पहल रहती.
इतने कैफेज हो गए कि अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएगा इंसान, यू नो, हर दो दिन को नई जगह. मेरे को रील बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन एक हफ्ते के बाद जाके देखे तो नो वन इज हियर, एब्सोल्युटली नो वन. और ओपनिंग में कहता है था जगह नहीं रहती बैठने की. एग्जैक्टली, हाँ, एक हफ्ते तक फुल हाइप रहता, फुल फुल, पर फिर नेक्स्ट जगह खुल जाती. बट है थोड़ा जगह है जो अच्छा कर ले रहे हैं अपने लिए, एंड बहुत एस्थेटिक हो गया हैदराबाद. एंड लाइक कहीं भी जा सकते भैया आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली लाइक रमजान टाइम. आई फील कि हैदराबाद इज द बेस्ट. इट्स अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर. डिफरेंट वाइब है एकदम. और स्पेशली लाइक ओल्ड सिटी में जब आप एंटर करते हैं ड्यूरिंग रमजान, फेवरेट पार्ट ऑफ द होल ईयर है मेरा. दैट इज नाइस, एंड इट्स नाइस दैट यू डू दैट इवेंट, यू नो, आंगन दैट यू डू, एंड यू नो, यू आंगन भी होता है हैदराबाद में, देखो. इट्स अ ग्रेट वे ऑफ लाइक यू नो कनेक्टिंग विद पीपल, एंड दैट होल थीम और वाइब जो आपकी है. बेसिकली एंटरटेनमेंट है मेरा जॉनरा, तो मैं मेरे इवेंट के थ्रू भी एंटरटेनमेंट इज प्रमोट करना चाहती हूँ. तो जो जहाँ पे यूजली आपको पे करना पड़ता टू वॉच दैट एंटरटेनमेंट, फॉर एग्जाम्पल लाइक लाइव कॉन्सर्ट, ये वो, यू हैव टू पे एंड गो वॉच देम. आंगन में ऐसा कोई सीन ही नहीं है. आओ फ्री में आओ, मजे करो, जाओ अपनी पूरी फैमिली के साथ बेसिकली. नाइस नाइस. व्हाट डू हैदराबादी से व्हेन थिंग्स समवन मेसेस समथिंग अप? आई ले बैगन में मिला दिया. इसकी तो. और जब थिंग्स आर गोइंग वेरी वेरी गुड, क्या आखिरी क्रेजी चल रही मालूम जिंदगी, पूछो ना तो बस. जिंदगी, दिस इज नाइस. व्हेन समवन सेज समथिंग मीन, चुपीच बयान के बाद नको करो यार, चिल करो लाइफ में. When someone is not looking cute but they're asking how they're looking. अच्छे दिख रहे तुम, है तुम खूबसूरत है, ये कलर अच्छा दिख रहा तुम्हारा. हाँ अच्छा दिख रहा, बहुत सूट कर रहा, चप्पल अच्छी है. When you politely want to tell someone to get out of, you know, wherever you are. कहीं को politely निकलो यहाँ से. उधर politeness नहीं जाता. There's no politeness. दरवाजा उधर है, खोलो. जाओ भाई, जाओ भाई उधर.